सुपर आर्यन एपिसोड 101 से लेकर 105 तक। अपने रिश्तेदारों के सवाल को सुनकर आर्यन बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने बुलाया है। मैं अपने परिवार में से जो हीलर है, मैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करूंगा और जो योद्धा है उन्हें शक्तिशाली बना दूंगा। आर्यन की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। आर्यन के डैड भाई और उसकी माँ भी आर्यन की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। सभी आर्यन को देख ही रहे थे। तभी आर्यन के डैड बोले, लेकिन आर्यन तुम ये सब कैसे करोगे? अपने डैड की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने उंगली की आयामी अंगूठी को सहलाया, जिससे आयामी दरवाजा खुला गया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए क्योंकि ऐसा कुछ उन लोगों ने पहले नहीं देखा था। अखिल और रोनी नॉर्मल था क्योंकि उन दोनों ने पहले ये सब देख रखा था। सभी को शॉक देखकर आर्यन बोला, ये आयामी दरवाजा है, चलिए मेरे साथ आप सब इसके अंदर। इतना बोलकर आर्यन आयामी दरवाजा के अंदर चला गया। आर्यन को जाते देखकर परिवार के सभी सदस्य शॉक की अवस्था में ही अंदर चले गए। जैसे ही वो सब अंदर गए, जिस जगह पर वो लोग पहुंचे थे उसे देखकर और ज्यादा शॉक हो गए। सभी लोग आसपास देख ही रहे थे। तभी उन्हें हवेली दिखा, जिसे देखकर आर्यन की माँ अखिल से बोली, बेटा ये किसकी हवेली है? अपनी माँ की बात सुनकर अखिल बोला, माँ इस दुनिया में जो कुछ भी है सब आर्यन का है, ये हवेली भी। अखिल ने जो कहा परिवार के सभी सदस्य ने सुना, जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए और आर्यन की तरफ देखने लगे। सभी के नजरों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन बोला, अंदर चलिए। इतना बोलकर आर्यन हवेली के अंदर जाने लगा। जब सभी लोग हवेली के अंदर पहुंचे तो हवेली के अंदर की खूबसूरती देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। परिवार का एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत हवेली नहीं देखी, ये किसी राजमहल से कम नहीं है। एक लड़का बोला, आर्यन क्या ये सच में तुम्हारा है? आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि एक लड़का जोर से बोला, अरे भाई ये बिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? क्या इस दुनिया में भी बिल्ली चूहे पाए जाते हैं? उस लड़के की बात सुनकर अखिल ने कहा, ये ब्लैकी है, आर्यन का दोस्त, ये रैंक 7 का तिलिश्मी जानवर है, आर्यन को ये हवेली इसी के कारण मिली है। अखिल की बात सुनकर सब ब्लैकी को देखने लगे। तभी सभी के नजरों के सामने ब्लैकी ने अपना आकर और छोटा किया और आर्यन के कंधे पर बैठ गया। आर्यन के कंधे पर बैठने के बाद ब्लैकी बोला, शुरू करो अब जिस काम के लिए इन सब को लेकर आए हो। ब्लैकी को बोलते देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सब जानते थे कि एक रैंक 7 का जानवर इंसानों की तरह बात कर सकता है। ब्लैकी ने कहने पर आर्यन ने हॉल में रखे एक बड़े से टेबल से उस पर रखे कपड़े को हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, सबने देखा कि वहां बहुत सारी शीशी की बोतल है। शीशी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए आर्यन बोला, परिवार के सभी युवा योद्धा एक एक शीशी की बोतल ले ले और किसी एक कमरे के बाथरूम में जाकर बाथटब में पानी भरकर इस शीशी का सारा लिक्विड पानी में डालकर पानी में उतर जाए और पानी से तब तक नहीं निकले जब तक पानी काला नहीं हो जाता। जैसे ही पानी काला हो बाथटब से निकलकर नहाकर आए, चाहे जितना समय लगे फर्क नहीं पड़ता। आर्यन की बात सुनकर सब सहमत हुए और एक एक शीशी की बोतल लेकर रूम की तरफ जाने लगे। अखिल और रोनी ने भी एक एक शीशी की बोतल ली और रूम की तरफ चल दिए। परिवार में करीब 20 युवा योद्धा थे और वहां पर शीशी 40 थे, इसी कारण 20 शीशी बच गई, जिसे देखकर आर्यन के डैड बोले, आर्यन ये 20 शीशी का क्या करोगे? अपने डैड की बात सुनकर आर्यन बोला, इंतजार कीजिए डैड, पता चल जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो घर जाकर आराम कर सकते हैं क्योंकि इस लोगों को एक दिन लग सकते हैं, बाहर जाइए और एक घंटे बाद आइए। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ बोली, आर्यन तुमने कहा कि इन सबको एक दिन लगेगा, फिर तुम एक घंटे में आने के लिए क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि माँ वास्तविक दुनिया का एक घंटा यहाँ के 20 घंटे के बराबर है। आर्यन की बात सुनकर परिवार के सभी बड़े शौक हो गए। शौक से बाहर आते हुए आर्यन के दादाजी बोले, आर्यन क्या तुम सच बोल रहे हो? जी दादाजी ये सच है, तभी तो मैं सबको यहाँ लेकर आया हूँ, मेरे पास समय की कमी है और मेरे पास जितने समय है मैं सबको वास्तविक दुनिया में शक्तिशाली नहीं बना पाता, इसलिए सबको यहाँ लाया हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दादाजी बोले, ठीक है हम जाते हैं, एक घंटे बाद आएंगे, क्या तुम यही रहोगे आर्यन? जी दादाजी मुझे भी ध्यान करना है, आप सब जाइए और एक घंटे बाद आइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दुनिया के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अभी कुछ समय किसी भी नए आदमी को घर में नहीं आने दीजिएगा क्योंकि इस दुनिया का दरवाजा खुला रहेगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बातों से सहमत होकर सभी चले गए। सबके जाने के बाद आर्यन हॉल में ही ध्यान करने लगा। ब्लैकी भी अपने आंखों को बंद किए वही लेट गया। कुछ समय हवेली में जो शोर था वो अब शांत हो चुका था। आयामी दुनिया में 21 घंटे बीत चुके थे, आर्यन अभी भी ध्यान में ही था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आहट सुनकर आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हवेली के दरवाजे की ओर देखा तो उसे दिखा कि उसके दादाजी के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्य वापस आ चुके हैं। उन्हें देखकर आर्यन अपनी जगह से उठ गया। एक अंदर आते ही दादाजी आर्यन से बोले, आर्यन क्या अभी तक वो सब नहीं लौटे हैं? आखिर तुम्हें किस तरह की लिक्विड दी है?
उन सबको। दादाजी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो लिक्विड उन लोगों को दी है उसके प्रभाव से उनके अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और उनका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसा नए जन्मे बच्चे का होता है, बिल्कुल साफ बगैर किसी प्रदूषण के। आर्यन ने इतना बोला कि था कि सभी को एक आवाज सुनाई देती है, सही बोल रहा है आर्यन, ये लिक्विड तो कमाल का है, मुझे अंदर से हल्का महसूस हो रहा है। ये आवाज अखिल की थी जो सीढ़ी से नीचे आ रहा था। सभी अखिल की तरफ देखने लगे, तभी धीरे धीरे सभी युवा योद्धा बाहर आने लगे। कुछ ही मिनट में सभी 20 अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सबके चेहरे पे मुस्कान और एक अलग तेज था। सबके आने के बाद आर्यन बोला, अब आगे की मेरी योजना के लिए सब तैयार है, कुछ वक्त इंतजार करे फिर मैं बताता हूँ कि आप सबको क्या करना है। आर्यन की बात सुनकर सभी युवा योद्धा अपने अपने कमरे में चले गए और उनके साथ उनके माता पिता भी कमरे में चले गए, उन्हें अपने बच्चों से बात करनी थी। आर्यन के माता पिता भी अखिल के साथ उसके कमरे में चले गए। आर्यन वही हॉल में अपने दादाजी के साथ बैठ गया। लगभग 2 घंटे बाद सब कमरे से बाहर आए। उनके आने के बाद आर्यन बोला, जो हीलिंग शक्ति मंत्र का ध्यान करते हैं वो सब एक तरफ हो जाए। आर्यन के कहते ही 20 में से 7 योद्धा अलग हो गए, उनमें से एक अखिल भी था। अखिल भी हीलिंग शक्ति मंत्र का ध्यान करता था, लेकिन वो अभी पहले स्तर पर ही था, इसलिए वो किसी का इलाज नहीं कर सकता था और न ही गोली बना सकता था। अखिल के साथ साथ बाकी 6 भी पहले स्तर पर ही थे। 7ों के अलग होते ही आर्यन ने अपने कलाई को झटका। आर्यन ने जैसे ही कलाई को झटका, कुछ शीशी की बोतल सामने की टेबल पर आ गई। शीशी की बोतल के आने के बाद आर्यन बोला, आप सब इस 14 बोतल में 2-2 बोतलें उठा ले, एक बोतले में लिक्विड है और दूसरे बोतले में 2 गोली, एक गोली पीले रंग की और दूसरी गोली सुनहरे रंग की है। लिक्विड का आप सबको वही करना है जो पहले किया था, और रही गोली की बात तो पानी में उतरने के बाद पहले पीली गोली खा लीजिएगा, उसके 2 घंटे बाद सुनहरी गोली और ध्यान में बैठ जाएगा, जब तक मैं नहीं बुलाऊं ध्यान में रहना है, अब आप सब जाइए। आर्यन से सब कुछ समझने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। उन सबके जाने के बाद एक लड़का बोला, जो हीलिंग शक्ति का ध्यान नहीं करता था आर्यन, हम क्या करें, क्या हमारे लिए कुछ नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, तुम सबके लिए भी है। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथ को झटका। आर्यन के हाथ झटकते ही पहले वाली शीशी के जैसी ही कुछ शीशियां टेबल पर आ गई। आर्यन उसे देखते हुए बोला, ये है वो गोली जिससे तुम सब अपने शक्ति स्तर को बढ़ा सकते हो, एक एक करके मेरे पास आओ और गोली ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही तुम ये गोली खाओगे तुम्हें अपने अंदर ऊर्जा का सैलाब महसूस होगा, तुम्हारा शरीर जलने लगेगा, हो सकता बेहोश भी हो जाओ, फिर भी कोई घबराना नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, आओ एक एक करके। आर्यन के बुलाने पर रोनी सबसे पहले आया। उसके आते ही आर्यन से शीशी में से एक गोली निकली और उसे देते हुए बोला, खा लो। आर्यन की बात सुनकर रोनी थोड़ा झिझका, लेकिन गोली खा ली। गोली खाते ही उसके चेहरे का भाव बिगड़ गया, ऐसा लग रहा था उसके अंदर भूचाल आ गया है, रोनी दर्द भरी आवाज में बोला। आर्यन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ऊर्जा का सैलाब आ गया है, तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर आर्यन ने रोनी के नाभि के पास अपनी एक उंगली में ऊर्जा इकट्ठा करके नाभि के चारों तरफ गोल घेरा बनाया। नाभि के चारों तरफ घेरा बनाते ही वो जगह कुछ पल चमकी और शांत हो गई। जैसी ही चमक शांत हुई रोनी के अंदर का भूचाल शांत हो गया। जैसे ही भूचाल शांत हुआ रोनी बोला, आर्यन मेरे अंदर के ऊर्जा का भूचाल शांत हो गया है, अब क्या करना है। मैंने उस गोली के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया है, लेकिन उसमें एक छोटा सा दरार है जिससे ऊर्जा निकलकर तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवाहित होगी, वो हर वक्त होता रहेगा, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे उस वक्त सुरक्षा घेरा से ऊर्जा निकलने की रफ्तार बढ़ जाएगी और तुम्हारे शक्ति स्तर को बढ़ा देगी। अब तुम्हारा शक्ति स्तर पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक गोली की पूरी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती, आर्यन ने कहा। रोनी के बाद धीरे धीरे सभी आए और आर्यन के उनके साथ वही किया जो रोनी के साथ किया था। 1/2 घंटे में आर्यन ने सबकी गोली दे दी। सभी को गोली देने के बाद आर्यन बोला, मैं 15 दिन और यहाँ हूँ, उनके बाद मैं चला जाऊँगा, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सब यही रहकर ध्यान करो, अब जाओ ध्यान करो, 15 दिन बाद मिलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वास्तविक दुनिया का 15 दिन यानी इस दुनिया का 300 दिन, इसका मतलब तुम सबके पास 300 दिन है, अब जाओ इस 300 दिन का फायदा उठाओ। आर्यन की बातों से सब सहमत हुए और ध्यान करने चले गए। वही परिवार के बाकी सदस्य वास्तविक दुनिया में लौट आए आर्यन के साथ। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। एपिसोड 102। सभी युवा योद्धाओं को ध्यान में गए। 14 दिन बीत चुके थे। 15वें दिन फिर से सभी रिश्तेदार राठौर मेंशन पहुंच चुके थे, जिन्हें लेकर आर्यन आयामी दुनिया में चला गया। जब सभी लोग वहां पहुंचे उस वक्त तक कोई भी योद्धा बाहर नहीं आया था। सभी हवेली के हॉल में बैठकर अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगे। सभी को आए हुए 1 घंटा बीत चुका था, तभी उन्हें एक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो उन्हें दिखा कि एक लड़की कमरे से निकल रही है।
वो लड़की थी आर्यन की कजिन रागिनी थी। रागिनी आर्यन से छोटी थी, अभी अभी 15वें साल में पहुंची थी। रागिनी शक्ति बढ़ाने वाली गोली लेने से पहले भूमंडल के चौथे स्तर की योद्धा था। आर्यन उसे देखते हुए बोला, रागिनी ने भूमंडल को पार करके जल मंडल में प्रवेश कर लिया है। रागिनी की शक्ति को बाकी सब ने भी महसूस कर लिया था। सभी के नजरों के सामने रागिनी सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में सबके सामने आते ही बोली, देखिए मैं अब और शक्तिशाली हो गई। जब दिव्यकृति एकेडमी का अगला प्रवेश परीक्षा होगा तो मैं उसमें टॉप करूंगी पक्का। रागिनी की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम इतने में ही खुश हो गई, अभी भी गोली की ऊर्जा बची है, तुम उसकी सहायता से और शक्तिशाली हो सकती हो प्रवेश परीक्षा के समय तक। आर्यन रागिनी से बात कर ही रहा था तभी सबको दिखा कि कुछ और लड़के अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं। आर्यन ने देखा उसमें से एक अखिल भी था। अखिल को देखते ही आर्यन बोला, क्या बात है भाई, आप तो अब स्वर्ग मंडल के पहले स्तर के योद्धा बन गए हैं और तीसरे स्तर के हील, साथ में आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी दूसरे स्तर की हो गई है। आर्यन की बात सुनकर सब अखिल को देखने लगे। अब अखिल अपने परिवार का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। पहला उसके दादाजी थे, इस वक्त स्वर्ग मंडल के 9वें स्तर के योद्धा थे, और उसके पिता सप्तऋषि मंडल के 8वें स्तर के योद्धा बन गए थे। धीरे धीरे सभी 20 योद्धा ध्यान से बाहर आ गए थे। उनके आने के बाद आर्यन ने सभी की जांच की और बोला, अब सब ठीक है, लेकिन सब एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सब ने जो गोली खाई है वो अभी भी आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित करती रहेगी। जब तक उस गोली की ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाती तब तक हर रोज कम से कम 1 घंटे आप सबको ध्यान करना होगा। आर्यन की बात सुनकर सब ने एक साथ सहमति में सिर हिलाया। सबको सहमत होने के बाद आर्यन ने अपने डैड से कहा, डैड आपको एक टावर तैयार करवानी होगी जहां परिवार के सभी योद्धा अपना ध्यान कर सके। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर राठौर बोले, टावर क्यों आर्यन, उसकी क्या आवश्यकता है, सभी ध्यान तो अपने घर में भी कर सकते हैं। सभी के मन में यही सवाल थे। सभी आर्यन को सवालिया नजरों से देख रहे थे। ये देखकर आर्यन बोला, आप सब इंतजार कीजिए, अभी आता हूँ मैं। इतना बोलकर आर्यन ब्लैकी के कमरे की तरफ गया और कुछ ही देर में लौट आया। आर्यन गया तो था खाली हाथ, लेकिन लौटा तब उसके हाथों में वही स्क्रॉल थे जिसे आर्यन ने लिखा था। उस स्क्रॉल को देखते हुए दादाजी बोले, आर्यन ये सब क्या है। अपने दादाजी की बात सुनकर आर्यन बोला, दादाजी इस स्क्रॉल में शक्तिशाली मंत्र लिखे हुए हैं जो मैंने लिखे हैं, सबके ध्यान के लिए इन्हीं स्क्रॉल के लिए आपको टावर बनवाने हैं। आर्यन की बात सुनकर सभी उत्साहित हो गए, लेकिन उनके मन में यही सवाल चल रहे थे कि इसके लिए टावर की क्या जरूरत है। आर्यन ने सभी के मन के सवाल को जान लिया था, इसलिए उसने बोला, देखिए आप सब सोच रहे हैं कि इसके लिए टावर की क्या आवश्यकता है, तो सुनिए मेरी बात, देखिए अगर मैंने ये सभी स्क्रॉल सभी में बांट दिए तो सबके मन में यही सवाल चलेंगे कि कहीं मुझे कोई कमजोर मंत्र तो नहीं मिल गए, इसलिए हम एक टावर तैयार करवाएंगे। उस टावर में 5 फ्लोर होंगे जिसमें 4 फ्लोर पर मंत्रों के स्क्रॉल होंगे और 5वें पर गोलियां और लिक्विड बनाने की विधि। जिस भी योद्धा को इन मंत्रों का ध्यान करना होगा इसके इसी टावर में ध्यान करना होगा। आप इस टावर से बाहर मंत्रों और गोलियों की विधि का स्क्रॉल बाहर नहीं ले सकते हैं, लेकिन याद करके या लिख के अपने पास रख सकते हैं। आर्यन की बातों को सुनने के बाद मिस्टर राठौर बोले, लेकिन आर्यन 5 फ्लो क्यों, 2 ही फ्लो में तो काम चल जाएगा, एक में मंत्र और दूसरे में गोलियों की विधि, ऐसा तो हम कर सकते हैं, लेकिन इससे सभी मंत्र मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि योद्धाओं को पहले कौन से मंत्र का ध्यान करना है, इसलिए मंत्रों के लिए 4 फ्लो, पहले फ्लोर पर सबसे कम शक्तिशाली मंत्र, दूसरे फ्लोर पर उससे अधिक, तीसरे फ्लोर पर उससे अधिक, लेकिन चौथे फ्लोर पर जाने के लिए सभी योद्धाओं के बीच प्रतियोगिता रखवाइएगा और प्रतियोगिता के टॉप 5 को ही चौथे फ्लोर पर जाने की अनुमति होगी और 5वें फ्लोर पर सिर्फ हील को जाने की अनुमति होगी। आर्यन की बातों को समझकर आर्यन के डैड बोले, ठीक है आर्यन, मैं बहुत जल्द टावर तैयार करवा लूंगा, वो राठौर मेंशन के अंदर ही, ताकि टावर सुरक्षित रहे। अपने डैड की बात सुनकर आर्यन ने सभी स्क्रॉल अपने डैड को दे दिए और बोला, डैड मैंने इन स्क्रॉल में मंत्र के साथ साथ उनसे जुड़ी बातें भी स्क्रॉल में लिख दिए हैं, जो मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। आयामी दुनिया में सब कुछ खत्म करने के बाद सभी लोग वास्तविक दुनिया में आ गए, साथ में स्क्रॉल भी ले आए। आने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। वही आर्यन अपने कमरे में जाकर अपने जाने की तैयारी करने लगा। उसने वहां से ज्यादा कुछ नहीं लिया, उसके अपने कमरे से सिर्फ कुछ तस्वीरें ली जो उसके इस परिवार की थी, कपड़े वगैरह सब वही छोड़ दिए। सभी तैयारी करके जब आर्यन अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके माँ, डैड, दादाजी और भाई अखिल हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। सभी के आंखों में आंसू थे। अखिल भी आर्यन का सच जान चुका था कि आर्यन उसका सगा भाई नहीं है, फिर आर्यन के प्रति उसका प्यार कम नहीं हुआ। जैसे ही आर्यन नीचे हॉल में आया उसकी माँ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। ये देखकर आर्यन के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, माँ अगर आपने मुझे रोकर विदा किया तो मैं वहां कमजोर पर जाऊंगा, फिर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मिसेस राठौर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या करूं बेटा, कितनी भी कोशिश कर लूं आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, अगर मैं तुम्हें रोकी तो उस माँ का क्या होगा जो तुम्हारे इंतजार कर रही है।
लेकिन एक वादा कर कि अगर तुम्हें समय मिला तो तू हमसे मिलने जरूर आएगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं एक दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा, आर्यन ने कहा। रोने का मन तो आर्यन के डैड और दादाजी का भी कर रहा था, लेकिन वो रोए नहीं कहते हैं न मर्द कभी रट नहीं, वही बात उन दोनों के साथ भी थी। लेकिन अखिल के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ आर्यन को गले लगा लिया। इस इमोशनल मोमेंट को देखते हुए दादाजी बोले, आर्यन अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारे दादा महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दादाजी की बात सुनकर आर्यन बोला, दादाजी आप नहीं जाएंगे मेरे साथ झरना तक, क्योंकि आप गए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। लेकिन आर्यन दादाजी के इतना बोलते ही आर्यन ने उनकी बात बीच में ही काट दी और बोला, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अकेले जाओ, अपना ख्याल रखना, ज्यादा खतरा नहीं उठाना अपनी नई दुनिया में, और दुश्मनों से सावधान रहना, दादाजी ने कहा। दादाजी के बोलने के बाद मिस्टर राठौर बोले, आर्यन अपना ख्याल रखना, नए जगह पर दुश्मन नए होंगे, सावधान रहना, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इतना बोलने के बाद आर्यन ने सबके पैर छूकर प्रणाम किया और घर से निकल गया। आर्यन के वो चार लोग जिसे आर्यन सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आए। दरवाजे से निकलने के बाद आर्यन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे डर था कि कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। उसके परिवार वाले भी इस बात को समझते थे, जाते वक्त आर्यन के आंखों में आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आधे घंटे में आर्यन झरने के पास पहुंच गया, जहां उसके दादा महाराज उसका इंतजार कर रहे थे। जाते ही आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, चले। दादा महाराज ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ झरने के पानी के नीचे खड़े हुए और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने आर्यन के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, वो दोनों किसी अनजान जगह पर पहुंच गए जहां पानी का नामो निशान नहीं था। आर्यन ने आसपास देखा तो उसे दिखा कि उस जगह पर हल्की हल्की रोशनी है जो वहां पर लगी मशालों से आ रही थी। आर्यन उस जगह को देखते हुए बोला, दादा महाराज ये कौन सी जगह है? ये एक गुफा है आर्यन, जहां दूसरी दुनिया का द्वार है। इतना बोलने हुए दादा महाराज बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए, आर्यन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। अपने दादा महाराज के पीछे चलते हुए आर्यन ने कहा, अब आप मुझे ये बताएं हमारे परिवार में कौन कौन है? आर्यन ने इतना बोला ही था कि उसे सामने से आती हुई तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ ही समय में दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दादा महाराज बोले, आर्यन हमारे राज परिवार में तुम्हारे जो अपने हैं वो है तुम्हारे पिता, माँ, सौतेली माँ, सौतेला भाई और सौतेली बहन, जो अभी साम्राज्य के राजधानी में स्थित गुरुकुल गंगाजल गुरुकुल में शक्तियों का ज्ञान ले रही है। ये सुनकर आर्यन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आर्यन ने पहले किताबों में पढ़ रखा था कि राजा महाराजा कई शादियां करते थे। आर्यन ने कहा, मेरे पिता ने कितनी शादियां की है? सिर्फ दो शादी। तुम्हारे छोटे सौतेले भाई बहन बहुत अच्छे दिल के हैं, दादा महाराज ने कहा। ये तो अब पता चलेगा कि वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक ये पता नहीं होगा कि उनका एक बड़ा भाई भी है, आर्यन ने कहा। उन तीनों को पता है कि उनका एक बड़ा भाई है और वो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुम उनके चचेरे भाइयों से बेहतर भाई होंगे। उन्हें एक भाई की कमी खलती है, क्योंकि तुम्हारे चचेरे भाइयों को अपनी शक्ति का घमंड है, इसी कारण वो उसे दबाते रहते हैं ताकि वो उसके महाराज बनने की होड़ में बाधा न बन सके थे, दादा महाराज ने कहा। मेरे कितने चचेरे भाई है और क्या वो जानते हैं कि उनका कोई और भी भाई है, आर्यन ने कहा। नहीं, उन्हें नहीं बताया गया है। और रही तुम्हारे कितने चचेरे भाई है, तो वो पांच है, दादा महाराज ने कहा। वैसे मेरे भाई का नाम क्या है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज मुस्कुराए और अपने हाथ को हिलाया, जिससे उनके हाथ में एक ऊर्जा पुंज प्रकट हो गया और वो ऊर्जा पुंज सीधे आर्यन के दिमाग में चला गया। उसके बाद दादा महाराज बोले, अब तुम्हें इस दुनिया के बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जब दादा महाराज ये बोल रहे थे, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ गई थी, जिसे आर्यन व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। एपिसोड 103। अपने दादा महाराज के द्वारा दिए गए जानकारी को पीने दिमाग में व्यवस्थित करने के बाद आर्यन को अपने परिवार के बारे में सब कुछ पता चल गया। साथ में इस दुनिया के बारे में आर्यन को पता चला कि इस दुनिया में योद्धाओं स्तर मांत्रिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। सारी जानकारी लेने के बाद आर्यन बोला, दादा महाराज प्रतियोगिता कब शुरू है और इसमें क्या क्या होगा? इस प्रतियोगिता में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ योद्धाओं को एक दूसरे से लड़ना होगा। ये प्रतियोगिता एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, दादा महाराज ने कहा। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को क्या मिलेगा, आर्यन ने पूछा। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 50 दो रंगी पत्थर मिलेंगे और साथ में एक रैंक आर्ट का हथियार, पहले उपहार पहले था न वाले को मिलेगा, लेकिन इससे भी बड़ा उपहार मिल सकता है उस योद्धा को, अगर उसका प्रदर्शन बेहतरीन रहा तो, दादा महाराज ने जवाब दिया। इस दुनिया में व्यापार करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं लगती है, लेकिन इससे भी ऊपर है एक रंगी पत्थर, लेकिन सबसे ऊपर है
सप्तरंगी पत्थर। एक सप्तरंगी पत्थर की तुलना स्वर्ण मुद्रा से की जाए तो 300 स्वर्ण मुद्रा के बराबर एक सप्तरंगी पत्थर इस दुनिया में स्वर्ण मुद्रा निकले स्तर पर आता है। और वो उपहार क्या है, आर्यन ने पूछा। जानते हो आर्यन, ऐसी ही प्रतियोगिता जम्बू साम्राज्य का हर राज्य अपने राज्य के युवाओं के लिए कराता है ताकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। ऐसी ही प्रतियोगिताओं पर जम्बू साम्राज्य से सभी गुरुकुलों की नजर होती है। इस प्रतियोगिताओं में से जो भी योद्धाओं उन्हें पसंद आता है उन्हें वो अपने गुरुकुल में नामांकन का प्रस्ताव देते हैं। इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं की नज़र मिलने वाले पुरस्कार पर नहीं होती है, वो तो सिर्फ पहले या दूसरे स्तर के गुरुकुल का शिष्य बनना चाहते हैं। दादा महाराज ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये प्रतियोगिता शुरू कब होने वाली है और क्या इसकी कोई उम्र की सीमा है? आर्यन ने कहा, 2 दिन बाद शुरू होने वाली है और इस प्रतियोगिता में 10 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष के कम उम्र के योद्धा ही भाग ले सकते हैं। दादा महाराज ने कहा, हमारे परिवार से कोई किसी पहले स्तर गुरुकुल में गया है कि नहीं? आर्यन ने पूछा। आर्यन, तुम तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जान ही गए होंगे कि हमारा राज्य जम्बू साम्राज्य के सबसे कमजोर राज्य में से एक है। हमारा राज्य तो साम्राज्य की राजधानी में रह रहे अमीर परिवारों से भी कमजोर है। मेरे जीवन काल में सिर्फ तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन हर्षिता ही साम्राज्य के पहले स्तर के गुरुकुल में गए हैं। बाकी पूरे राज्य के युवा चौथे स्तर के नीचे गुरुकुल में जाते हैं और जो बच जाते हैं वो अपने ही राज्य के गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं जो निचले स्तर के गुरुकुल है। दादा महाराज ने कहा, तब तो हमें अपने राज्य के गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करना होगा। आर्यन ने कहा, नहीं आर्यन, हमारा शिक्षा व्यवस्था ठीक है, हमारे राज्य से बहुत कम योद्धा बाहर जाते हैं। यहाँ जो गुरुकुल है वो भी जम्बू साम्राज्य ही नियंत्रित करती है, ऐसा सभी राज्यों में है। अगर इन गुरुकुलों में कोई बेहतर योद्धा होता है तो उन्हें ऊपरी स्तर के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। दादा महाराज ने कहा, तो ये बात है, मुझे इस प्रतियोगिता में ऐसा प्रदर्शन करना होगा कि पहले स्तर के गुरुकुल के प्रतिनिधि मुझे छोड़ ना पाए किसी और गुरुकुल के लिए। आर्यन ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बात, अब चलो, राजमहल परिवार के सभी सदस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दादा महाराज ने कहा, दादा महाराज, मैं सबसे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मैं उन लोगों के सामने नहीं आना चाहता जो मुझे नहीं जानते हैं। आर्यन ने कहा, तुम्हारे पास कोई तरकीब है कि तुम सबसे मिल भी लो और किसी दुश्मन को पता भी न चले? दादा महाराज ने कहा। दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपनी अंगूठी को सहलाया जिससे आयामी द्वार खुल गए, जिसे देखकर दादा महाराज चौंक गए और आर्यन को देखने लगे। आर्यन ने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया और बोला, दादा महाराज मैं अंदर जाता हूँ, मेरे अंदर जाते ही आप इस अंगूठी को सहलाकर द्वार बंद कर कीजिएगा और जब आप सभी परिवार के सदस्य के पास पहुंच जाए तो इसे फिर से सहलाइएगा जिससे द्वार फिर खुल जाएगा और बाहर आ जाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज ने सहमति में सर हिलाया। दादा महाराज को सहमत होते देखकर आर्यन अंदर चला गया। आर्यन के अंदर जाते ही दादा महाराज ने दरवाजा बंद कर दिया और वो वहां से निकल गए। करीब 10 मिनट चलने के बाद दादा महाराज एक बड़े से द्वार के सामने पहुंच गए जिसके सामने कई सैनिक खड़े थे। दादा महाराज को देखते ही सभी सैनिक अपने घुटने पर बैठ गए और दादा महाराज उनके सामने से अंदर चले गए। ये दरवाजा राजमहल का मुख्य द्वार था। करीब 10 मिनट और चलने के बाद दादा महाराज राजमहल के अंदर पहुंच गए और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। राजमहल बहुत ही आलीशान था, हर तरफ सैनिक खड़े पहरा दे रहे थे, दास और दासी आ जा रहे थे। जो भी दादा महाराज को देखता अपना सिर झुकता। अपने कमरे की तरफ जाते वक्त दादा महाराज ने एक दासी ने कहा, जाओ महाराज महारानी और राजकुमार हर्षित को बोलो कि हमने उन्हें अपने कमरे में बुलाया है। दादा महाराज की बात सुनकर उस दासी ने सहमति में सिर हिलाया और दादा महाराज के जाने तक वही सिर झुकाए खड़ी रही। दादा महाराज के जाते ही वो भी वहां से चली गई। कुछ ही समय में दादा महाराज अपने कमरे में पहुंच गए। दादा महाराज का कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि किसी मध्यम वर्गीय परिवार का पूरा घर आ जाए, साथ में बहुत ही आलीशान था। दादा महाराज अपने कमरे में गए और अपने कमरे के आलीशान बिस्तर पर बैठकर सबका इंतजार करने लगे। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई जिसे सुनकर दादा महाराज बोले, अंदर आ जाओ। उनके इनते बोलते ही 3 लोग अंदर आए। उन तीनों में एक औरत, एक मर्द और 10 साल का लड़का था। तीनों ने शाही कपड़े पहन रखे थे। ये 3 थे आर्यन के पिता महाराज हर्ष, उसकी सौतेली माँ और भाई हर्षित। वो तीनों दादा महाराज के कमरे के अंदर आए और दादा महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद आर्यन के पिता बोले, पिताजी आर्यन कहाँ, क्या वो नहीं आया, क्या उसे और समय चाहिए? अपने बेटे की बात सुनकर दादा महाराज मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, वो आ चुका है। ये सुनते ही तीनों खुश हो गए और कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये देखकर दादा महाराज बोले, क्या देख कर रहे हो, वो इस वक्त कमरे में नहीं है। दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन के पिता कुछ बोलते उससे पहले उसका भाई बोला, कमरे में नहीं तो बड़े भाई कहाँ है? दादा महाराज अपने छोटे पोते की बात सुनकर दादा महाराज अंगूठी दिखाते हुए बोले, इस अंगूठी में। ये सुनकर तीनों चौंक गए। चौंकते हुए आर्यन के पिता बोले, क्या बात कर रहे हैं,
कोई इतनी छोटी अंगूठी में कैसे आ सकता है? जब तक वो आयामी द्वार अंगूठी न हो और आपके पास तो वो है नहीं। अपने बेटे की बात सुनकर दादा महाराज मुस्कुराए और बिना कुछ बोले अंगूठी को सहलाया, जिससे एक द्वार खुल गया, जिसे देखकर आर्यन के पिता के मुंह से निकला आयामी द्वार। उन्होंने इतना बोला ही था कि उस द्वार से एक परछाई बाहर आती हुई दिखाई दी। वो आर्यन था, जिसे देखते ही आर्यन के पिता बोले, आर्यन मेरा बेटा। आर्यन को देखकर उसके पिता के साथ साथ उसका छोटा भाई और सौतेली माँ भी खुश हो गई। तीनों ने आर्यन को पहचान लिया था, क्योंकि जिस तरह दादा महाराज ने आर्यन को उसकी माँ की छवि दिखाई थी, उसी तरह इन लोगों को भी आर्यन की छवि दिखाई थी। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसके पिता तेजी में गए और उसे गले लगा लिया। आर्यन को गले लगाते वक्त उनके आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, आए भी क्यों ना। एक पिता जिसने अपने बेटे को पिछले 15 सालों से देखा ना हो, उसकी ऐसी ही हालात होती है। अपने पिता को भावुक होते देख आर्यन के आंखों में भी आंसू आ गए। अपने पिता से गले मिलने के बाद आर्यन ने अपनी सौतेली माँ के पैर छुए और बोला, प्रणाम छोटी माँ। आर्यन से छोटी माँ सुनकर उनके आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने आर्यन को उठाकर अपने गले से लगा और बोली, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया बेटा। जब से तुम्हारे पिता ने हमें ये बताया कि हमारा एक और बेटा है, तभी से हमने तुम्हारा इंतजार किया है। अगर आज तुम्हारी माँ होश में होती तो बहुत खुश होती। अपनी छोटी माँ से दूर होकर आर्यन ने पहले उनके आंसू पोंछे और फिर बोला, आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब मैं आ गया हूँ ना। आर्यन अपनी छोटी माँ से बात कर ही रहा था, तभी उसका छोटा भाई बोला, बड़े भाई मैंने भी आपका बहुत इंतजार किया है। अपने भाई की बात सुनकर आर्यन ने उसे भी गले लगाया और बोला, कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, हर्षित बच्चों की मुंह बनाते हुए बोला। अपने भाई की बात सुनकर आर्यन बोला, किसने परेशान किया तुम्हें बताओ मुझे? उस जयेश और अमरेंद्र के साथ उसके सभी भाई बहन ने, मैं अकेला हूँ ना, दीदी भी गुरुकुल चली गई, अब मैं घर में सबसे कमजोर और छोटा हूँ, सिर्फ 10 साल का, इसलिए परेशान करते रहते हैं, हर्षित रुआशी शक्ल बनाते हुए बोला। अपने भाई की बात सुनकर आर्यन ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी नजरों को समझकर आर्यन के पिता बोले, ये बच्चों की लड़ाई है और मैं इस राज्य का महाराज हूँ, चाहकर भी मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब भी राज परिवार से है। जब तक कोई बड़ा गुनाह नहीं करते हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब इसे घायल भी करते हैं, तो अभ्यास स्थल में जहां घायल होना आम बात है। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन अपने छोटे भाई तरफ देखा और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर किया तो उसे मुझसे निपटना होगा, ठीक है? अपने भाई की बात सुनकर हर्षित खुशी से बोला, ठीक है, वैसे वो सब इस वक्त है कहां, आर्यन ने बोला। आर्यन की बात सुनकर हर्षित बोला, शायद वो सब बाजार गए हुए हैं, चलो ठीक ही, हम भी बाजार जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उनका कमरा किधर है? आर्यन ने बोला, चलिए मैं लेकर चलता हूँ, हर्षित आर्यन की उंगली पकड़ते हुए बोला। ऐसे नहीं, इतना बोलकर आर्यन ने दादा महाराज से आयामी अंगूठी ली और हर्षित को सब कुछ समझा हो रहा था कि उसके पिता बोले, तुम इस वक्त सबसे छुप क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सीधे प्रतियोगिता के दिन सामने आना चाहता हूँ, अभी नहीं, जब हमारे दुश्मन ये जानेंगे कि उनके मार्ग का सबसे बड़ा पत्थर मैं हूँ, जिसे वो आज तक मरा हुआ मान रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे का भाव देखने में मजा आएगा। ठीक है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे माँ के पास ले जाते हैं, ये अंगूठी मुझे दो और तुम अंदर जाओ, आर्यन के पिता ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन ने आयामी अंगूठी देकर अंदर जाने लगा, तभी हर्षित बोला, बड़े भाई मैं भी चलूंगा आपके साथ। हर्षित की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तो चलो। आर्यन से इतना सुनते ही हर्षित ने आर्यन के हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ अंदर चला गया। दोनों के अंदर जाते ही आर्यन के पिता ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे से निकल गए। दूसरी ओर हर्षित आर्यन के आयामी दुनिया को देखे जा रहा था। आयामी दुनिया को देखते हुए हर्षित बोला, बड़े भाई ये दुनिया तो बहुत सुंदर है, आपकी है। एपिसोड 104। आर्यन अपने छोटे भाई हर्षित को लेकर अपने आयामी दुनिया में ले गया। आयामी दुनिया की खूबसूरती देखकर हर्षित खुश हो गया। हर्षित ने आर्यन से पूछा कि क्या ये सब उसका है? आर्यन कुछ जवाब देता उससे पहले आयामी दुनिया का द्वार खुल गया। इसका मतलब ये था कि आर्यन के पिता महाराज हर्ष उसकी माँ के पास पहुँच चुके थे। जब आर्यन आयामी दुनिया से बाहर निकला तो वो एक कमरे में था। उसके सामने उसके पिता, छोटी माँ खड़ी थी। ये कमरा दादा महाराज के कमरे की तरह आलीशान था। आर्यन कमरे में चारों तरफ देखने लगा, तभी उसे दिखा कि बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई है। वो काफी बीमार लग रही थी, उसका चेहरा नीला हो रखा था। ये औरत आर्यन की माँ अरुणिमा थी। अपनी माँ को देखते ही आर्यन के आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने अपनी माँ के पैर छुए और बोला, आप चिंता मत करो माँ, आपका बेटा आ गया है, अब वो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। आर्यन अपनी माँ के पैर के पास से उनके हाथ के पास गया और उनकी जांच करने लगा। ये देखकर उसके पिता महाराज हर्ष बोले, क्या कर रहे हो आर्यन तुम? जांच कर रहा हूँ, माँ का इलाज करना है तो जांच करना तो पड़ेगा, आर्यन ने कहा।
लेकिन हमने कई हीलसे दिखाए हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ को सबने हार मान ली, महाराज हर्ष ने कहा। मैं भी एक हीला हूँ और मैं अपनी माँ को ठीक करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब थोड़ी देर मुझे शांति से जांच करने दीजिए, आर्यन ने कहा। आर्यन ने इतना बोलकर अपनी माँ की जांच करने लगा। वही उसके पिता और छोटी के माँ के साथ उसका भाई हर्षित उसे देख रहे थे। करीब आधे घंटे तक जांच करने के बाद आर्यन बोला, माँ को कालकूट तो नहीं लेकिन उसी की तरह भयानक विष दिया गया है। अगर माँ की जगह कोई और होता तो वो अब तक मर चुका होता। माँ बच गई क्योंकि माँ के अंदर विष की शक्ति है जो इन्हें बचा के रखी हुई है। आर्यन की बात सुनकर उसके पिता महाराज हर्ष बोले, तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे औषधि बाजार जाना होगा ताकि कुछ औषधि ला सकूं, कुछ तो मेरे पास पहले से है, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी कलाई सहलाई जिससे कुछ बोतलें सामने आ गई। आर्यन ने उसे अपने पिता को देते हुए बोला, पिताजी जब तक मैं बाजार से नहीं आता तब तक आप किसी से बोलकर पानी में इस औषधि को डालकर माँ को उस पानी में रख दीजिए और मेरे लिए कुछ कपड़े मंगवा दीजिए। ये जो मैं अभी पहन रखा हूँ वो मेरी पहले वाली दुनिया के है, जो यहाँ के कपड़े से बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैं इंतजाम करवाता हूँ, महाराज हर्ष इतना बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आर्यन हर्षित से बोला, हर्षित क्या तुम्हें अपनी शक्ति बानी है? हर्षित इस वक्त भू शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। इस दुनिया में योद्धाओं की रैंकिंग आर्यन के पहले वाले दुनिया से बिल्कुल अलग था। इस दुनिया में भू शक्ति क्षेत्र के बाद नरक शक्ति क्षेत्र और उसके बाद स्वर्ग शक्ति क्षेत्र और सबसे ऊपर देवता। आर्यन की बात सुनकर हर्षित खुशी से बोला, हाँ बढ़ाना तो चाहता हूँ लेकिन पिछले कुछ समय से मेरा शक्ति स्तर बढ़ ही नहीं रहा है, मैं अभी भी दूसरे स्तर पर ही हूँ, हर्षित की बात सुनकर आर्यन बोला। तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम एक शक्तिशाली योद्धा बनोगे, आर्यन की बात सुनकर हर्षित खुश हो गया और आर्यन के गले लग गया। ये देखकर आर्यन की छोटी माँ बोली, बहुत दिनों बाद ये इतना खुश हुआ है, नहीं तो हमेशा अपने उस शैतान भाइयों से डरता रहता था। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षित बोला, हो हम उससे डरते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, बड़े भाई उनमें से जो सबसे बड़ा है इंद्रेश वो नरक शक्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर है, सबसे छोटा जयेश वो भू शक्ति क्षेत्र के पांचवें स्तर पर है और मैं दूसरे स्तर पर। जब मेरी दीदी यहाँ थी तो कोई हमें परेशान नहीं करता था क्योंकि वो उस वक्त इंद्रेश के समान शक्तिशाली थी, हर्षित की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही तुम जानते हो कि मैं किस स्तर का योद्धा हूँ। आर्यन की बात सुनकर हर्षित ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, नहीं भाई आप किस स्तर के योद्धा हो? हाँ आर्यन तुम किस स्तर के योद्धा हो हम महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, छोटी माँ बोली। स्तर पर हूँ, आर्यन का स्तर सुनकर आर्यन की छोटी माँ और उसका भाई एक पल के लिए सरप्राइज हुए लेकिन तुरंत ही खुश हुए। हर्षित खुश होते हुए आर्यन के गले लगते हुए बोला, भाई आप तो सबसे शक्तिशाली हो। उनकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हमने अपने शक्ति स्तर को छुपा रखा है, मैं इस वक्त नरक शक्ति क्षेत्र के तीसरे। तीनों बात कर ही रहे थे तभी आर्यन के पिता महाराज हर्ष कुछ नौकरों के साथ वहां आए। उन नौकरों के हाथ में कुछ कपड़े थे। उन नौकरों को देखकर आर्यन ने अपने पिता की तरफ देखा। आर्यन को उस कमरे में देखकर नौकर भी सोचने लगे थे कि ये लड़का कौन है। आर्यन की नजरों को समझकर महाराज हर्ष बोले, तुम चिंता मत करो ये सब विश्वासपात्र है, आर्यन से इतना बोलकर महाराज हर्ष नौकरों की तरफ देखते हुए बोले, ये है आर्यन राठौर इस राज्य के युवराज, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इस कमरे से बाहर जाते ही भूल जाना कि यहाँ तुमने किसे देखा। महाराज हर्ष की बात सुनकर सभी नौकर आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे लेकिन तुरंत होश में आ गए और आर्यन और महाराज के सामने सिर झुकते हुए सभी नौकर एक साथ बोले, हम समझ गए महाराज, हम युवराज के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इतना बोलकर सभी नौकर कमरे से चले गए लेकिन अभी तक उनके दिमाग में यही चल रहा था कि वो लड़का कौन है जिसे महाराज ने युवराज कहा है, लेकिन ये बात उन लोगों ने जुबान पर लाने की कोशिश नहीं की। वही कमरे में कपड़े आने के बाद आर्यन ने कपड़े देखे, सभी कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे। आर्यन ने उसी में से एक पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद आर्यन सच में एक युवराज लगने लगा था। कपड़े पहनने के बाद आर्यन अपने पिता से बोला, पिताजी मैंने जो आपको कहा था वो कीजिए, तब तक मैं जरूरी औषधि ले आता हूँ, क्या तुम्हारे पास मुद्राएं हैं? औषधि लेने के लिए महाराज हर्ष ने कहा। उनकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास कहाँ से आएंगे मुद्राएं, आज ही तो मैं आया हूँ इस दुनिया में। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष ने अपने पास से एक पोटली निकाली और उसे आर्यन को देते हुए बोले, इसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ एक रंगी, दो रंगी और तीन रंगी पत्थर है, ये तुम्हारे काम आएगा। जब आर्यन ने उस पोटली को अपने हाथों में लिया तो वो उसे वजनदार लगा। आर्यन ने उस पोटली को खोले बगैर अपनी स्टोरेज में रख लिया। उसके बाद उसके पिता ने आर्यन को एक मोहर दिया और बोले, इसे तुम अपने पास रखो, ये राजपरिवार के होने का प्रमाण है, अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल करना। आर्यन ने उस मोहर को अपने पिता के हाथ से लिया और उसे देखा। उस मोहर पर जल तत्व के निशान और उसके चारों तरफ राठौर राजवंश के साथ कौशाम्बी लिखा हुआ था। आर्यन ने उसे भी अपने स्टोरेज में रख लिया। मोहर को अपने स्टोरेज में रखने
के बाद आर्यन ने कहा, अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगा। क्या तुम्हें मालूम है बाजार किधर है और तुम इस महल से बगैर किसी के नजर में आए कैसे बाहर निकलोगे? अंडस्को महाराज हर्ष ने पूछा। दादा, महाराज ने मुझे सारी जानकारी दे दी है और आप चिंता मत कीजिए, मैं राजमहल से बगैर किसी के नजर में आए बाहर निकल जाऊंगा। इतना बोलकर आर्यन कमरे से निकल गया। आर्यन के जाते ही महाराज हर्ष ने कुछ नौकरों को बुलाया और उन्हें स्नानघर में पानी भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर आर्यन सभी पहरेदारों के नजरों से बचते हुए महल से निकल गया और बाजार की तरफ चल दिया। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आर्यन बाजार में पहुंच गया। बाजार में बहुत हलचल थी। आर्यन आगे बढ़े जा रहा था। आर्यन बाजार में ऐसे घूम रहा था जैसे उसे सब कुछ मालूम है। दादा महाराज ने जो आर्यन को जानकारी दी थी उसके अनुसार ही आर्यन बाजार घूम रहा था। आर्यन आगे बढ़ते हुए एक बड़े से दुकान के सामने पहुंच गया। उस दुकान के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय औषधि गृह। स्वर्गीय औषधि गृह पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा औषधि गृह था, जहां हर तरह के औषधि मिल जाती थी। आर्यन जल्दी से अंदर चला गया। स्वर्गीय औषधि गृह जितना बड़ा बाहर से था उससे दुगुना बड़ा अंदर से था। आर्यन के अंदर जाते हैं औषधि गृह का एक सेवक उसके पास आया और विनम्र स्वर में बोला, क्या चाहिए आपको? सेवक के इतना पूछते ही आर्यन ने एक कागज उस सेवक को देते हुए बोला, क्या जड़ी बूटी यहाँ मिल जाएगी? उस कागज को लेकर उस सेवक ने एक बार कागज को देखा, फिर आर्यन को। उसके बाद वो बोला, कितने मात्रा में ये चाहिए? आर्यन ने जो जड़ी बूटी के नाम उस सेवक को दिए थे वो सब जड़ी बूटी हर जगह मिल जाते थे, लेकिन वो जड़ी बूटी सिर्फ विष को निष्प्रभाव करने में काम आता था। सेवक के सवाल सुनकर आर्यन ने कहा, 5-5 चाहिए। ये सुनकर सेवक वहां से चला गया। सेवक के जाने के बाद आर्यन दुकान में घूमने लगा, इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा है। आर्यन दुकान में घूम ही रहा था तभी उसके बगल में एक आदमी आया और बोला, लगता है तुम इस राज्य में नए हो। ये वही आदमी था जो आर्यन को कब से देखे जा रहा था। उस आदमी की आवाज सुनकर आर्यन ने उसकी ओर देखा। उस आदमी के कपड़े बहुत अच्छे और महंगे थे, बड़े बड़े बाल और मूंछें थी। उस आदमी को देखते हुए आर्यन बोला, जी हाँ, मैं यहाँ नया हूँ। किस राज्य से आए हो? उस आदमी ने पूछा। उस आदमी का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या मैं आपको जनता हूँ या आप मुझे जानते हैं कि ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं तुम्हें जनता तो नहीं, लेकिन चलो परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम राजवीर है और मैं इस औषधि गृह का प्रभारी हूँ, उस आदमी ने कहा। उस आदमी का परिचय जानकर आर्यन कुछ पल के लिए शॉक हो गया, लेकिन तुरंत होश में आने के बाद बोला, मेरा नाम आर्यन है, मैं यहाँ पर नया हूँ। क्या आप ऐसे ही अपने ग्राहकों का परिचय जानने की कोशिश करते हैं? आर्यन की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारा परिचय पूछा क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास महसूस हुआ जो आज तक इस राज्य में मुझे किसी योद्धा में महसूस नहीं हुआ। राजवीर की बात सुनकर आर्यन सोचने लगा कि आखिर इसे मुझे क्या महसूस हो गया, कहीं इसने मेरे तात्विक निशान को तो नहीं देख लिया। आर्यन ने यह सब ज्यादा सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और राजवीर से ही पूछना बेहतर समझा और बोला, अंडस्को क्या अलग महसूस किया है अपने मुझ में? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो खास है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और मैं तुम्हारा शक्ति स्तर भी नहीं देख पा रहा हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने से किसी छोटे उम्र के योद्धा का शक्ति स्तर नहीं देख पाया हूँ, जबकि मैं खुद स्वर्गीय शक्ति क्षेत्र के तीसरे स्तर का योद्धा हूँ, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर आर्यन चौंक गया। उसने सोचा कि उसके दादा खुद अभी स्वर्गीय शक्ति क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा है, तो फिर ये कैसे तीसरे स्तर पर पहुंच गया? तभी आर्यन को याद आया कि स्वर्गीय औषधि गृह अपने सभी केंद्रों पर उस राज्य की शक्ति के अनुसार ही प्रभारी नियुक्त करता है ताकि वो राज्य उसे दबा न सके। एपिसोड 105 स्वर्गीय औषधि गृह के प्रभारी राजवीर आर्यन के दादा महाराज से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा कह सकते हैं कि वो पूरे कौशाम्बी राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली था। आर्यन राजवीर से बोला, आप क्या चाहते हैं? मुझसे मिलने ऐसे तो मेरे पास नहीं आए होंगे। आर्यन की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हें सीधा बात करने की आदत है। चलो मैं भी तुमसे सीधा ही बात करता हूँ। जब मैंने ये देखा कि मैं तुम्हारे शक्ति स्तर की जांच नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे मन में ख्याल आया, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मेरा दबदबा इस राज्य में और बढ़ जाएगा। उसकी बात सुनकर आर्यन आश्चर्य में उसे देखने लगा, लेकिन तुरंत नॉर्मल होते हुए मुस्कुराया और बोला, पर आप इस राज्य पर अपना दबदबा क्यों बनाना चाहते हैं? आप तो एक व्यापारी है और व्यापारी को राजनीति से क्या मतलब? आर्यन का सवाल सुनकर राजवीर थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता, तुम बताओ तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हो कि नहीं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने सोचा कि अगर मैंने इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है ये मुझे राज बता दे कि आखिर इसका मकसद क्या है, लेकिन मैं इसके प्रस्ताव को सीधे स्वीकार कर लूं तो हो सकता है इसे शक हो जाए। इतना सोचकर आर्यन बोला, देखिए राजवीर, मैं किसी के साथ भी काम पूरा सच जाने बगैर नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।
जब तक आप सच नहीं बताएंगे मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। आपके पास एक दिन का समय है, सोच लीजिए। आर्यन की बात सुनकर राजवीर सोच में पड़ गया। वो सोच ही रह था कि आर्यन को क्या बोले, तभी दुकान का सेवक जड़ी बूटी लेकर आ गया और आर्यन को दे दिया, और आर्यन ने उसे अपनी पोटली से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उस सेवक को दे दिया। आर्यन को जड़ी बूटी देने के बाद उसने राजवीर के सामने सिर झुकाकर वहां से चला। उस सेवक के जाने के बाद कुछ सोच रहे राजवीर से बोला, राजवीर जी आप आराम से सोच लीजिए, कल मैं फिर आऊंगा और आपसे मिल लूंगा, तब मुझे अपना निर्णय सुना दीजिएगा। आर्यन की बात सुनकर राजवीर ने अपना सिर हिला के सहमति जता दी। उसके सहमत होते ही आर्यन दुकान से निकल गया। राजवीर आर्यन को जाते हुए देख बोला, आखिर कौन है ये लड़का, मैं इसकी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर आर्यन ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि राजवीर का मकसद क्या है, वो क्यों राज्य पर अपना दबदबा चाहता है। आर्यन ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सब मार्ग से हट जाओ, राजकुमार इंद्रेश आ रहे हैं। एक सैनिक ये बोलते हुए तेजी में अपने घोड़े पर आगे बढ़ा आ रहा था। तभी आर्यन ने देखा 10 घोड़े एक साथ तेजी में उसी की तरफ आ रहे थे। उसमें सबसे आगे एक लड़का शाही कपड़ों में आगे बढ़े चले आ रहा था। वो दिखने में आर्यन की ही उम्र का लग रहा था। वो इंद्रेश था, आर्यन का चचेरा भाई। वैसे इंद्रेश और बाकी चचेरे भाई उसके दादा महाराज के छोटे भाई के पोते थे। आर्यन ये उसी वक्त जान गया था जब उसके दादा महाराज ने उसे सारी जानकारी दी थी। आर्यन इंद्रेश को देख ही रहा था। तब तक इंद्रेश आर्यन के बहुत करीब पहुंच चुका था। तभी आर्यन ने कुछ देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो बीमार लग रहा था चलते चलते रास्ते पर गिर गया। आर्यन ने देखा कि उस आदमी को गिरा हुआ देखकर भी इंद्रेश ने अपने घोड़े की गति धीमी नहीं की है, वो तो तेजी में बड़ा चला आ रहा है। ये देखकर आर्यन को उस बूढ़े आदमी की चिंता होने लगी और वो तेजी से उसकी ओर भागा, और वो बूढ़ा आदमी घोड़ा से टकराता उससे पहले उसे जल्दी से उठाकर बगल में कर दिया। उस बूढ़े आदमी को बगल करते हुए आर्यन ने इंद्रेश को देखा और बोला, अंधे हो क्या, तुम्हें आदमी गिरा हुआ है दिखाई नहीं देता है। आर्यन ने इंद्रेश को अंधा जानबूझकर बोला था ताकि उसे गुस्सा आए और वो उससे लड़े और उससे लड़कर अपने भाई का बदला ले सके, और हुआ भी ऐसा ही। आर्यन की आवाज सुनकर इंद्रेश और उसके साथी रुक गए और आर्यन की तरफ देखने लगे। आर्यन की आवाज सुनकर बाजार में घूम रहे ग्राहक भी आर्यन को आश्चर्य में देखने लगे, क्योंकि इंद्रेश से लड़ने की ताकत कौशाम्बी के किसी भी योद्धा में नहीं थी। राजपरिवार को छोड़कर एक ग्राहक बोला, लगता है ये लड़का नया है इस राज्य में। दूसरा ग्राहक बोला, आज इसका बुरा हाल होने वाला है, राजकुमार इंद्रेश इसे छोड़ेंगे नहीं। एक तीसरा ग्राहक बोला, ये लड़का दिखने में तो कमजोर है लेकिन इसमें हिम्मत बहुत है कि इसने राजकुमार को अंधा बोल दिया। सभी ग्राहकों के बीच ऐसी ही बात चल रही थी। इसी बीच इंद्रेश का दो सैनिक उसके पास और अपनी तलवार निकालते हुए एक सैनिक बोला, तू हमारे राजकुमार को अंधा बोलेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। ये देखकर दोनों सैनिकों ने गुस्से में आर्यन पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों सैनिकों के तलवार वाली हाथ को पकड़कर पीछे धक्का दे दिया। आर्यन के सिर्फ धक्का देने मात्र से दोनों पीछे जाकर गिरे। आर्यन ने कोई ताकत भी नहीं लगाई, और लगाए भी क्यों, वो दोनों थे ही सिर्फ भूशक्ति क्षेत्र के योद्धा। आर्यन के लिए वो किसी बच्चे से कम नहीं था। अपने साथी की ये हालत देखकर बाकी तीन सैनिक आगे आए और उन्होंने बिना कुछ बोले ही आर्यन पर हमला कर दिया। उन तीनों ने आर्यन पर बर्फ से बने तलवार से हमला किया था, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने अपने सामने अदृश्य ऊर्जा जाल बना दिया, जिससे वो तलवार टकराने ही बर्फ के टुकड़े में बदल गए। ये देखकर तीनों सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तीनों सैनिक कुछ सोच ही रहे थे, तभी आर्यन ने अपना हाथ हिलाया जिससे टूटे हुए बर्फ हवा में उड़ने लगे और खंजर का रूप ले लिया और तीनों सैनिकों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर तीनों सैनिक डर गए और उन्होंने अपने सामने एक बर्फ की ढाल का निर्माण किया। उन्होंने जैसे ही बर्फ की ढाल का निर्माण किया, आर्यन के खंजर उस ढाल से टकराया। उस टकराव में इतना दबाव था कि तीनों सैनिक दूर जा गिरे और खून की उल्टी करने लगे। आर्यन के इस हमले को देखकर सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब आर्यन ने इस हमले को किया था उस वक्त लोगों को नहीं लगा था कि इस हमले का ये प्रभाव होगा। अपने सैनिकों का बुरा हाल देखकर इंद्रेश और उसके भाई जो उसके साथ थे वो गुस्से में थे। असल में 10 घोड़ों में से 5 पर सैनिक और 5 पर इंद्रेश और उसके भाई जयंत, जितेंद्र, जयेश और मायराथी, आर्यन के हरी चाचा की छोटी बेटी। वो दिखने में किसी बर्फ की देवी जैसी लग रही थी। आर्यन को गुस्से में देखते हुए जयेश बोला, इंद्रेश भाई आप रुकिए, हम देखते हैं इस उदंड लड़के को। जयेश सही बोल रहा है, इंद्रेश भाई आप तीनों यही रुके, हम देखते हैं इस लड़के को, जितेंद्र बोला। उन सभी के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। इसका कारण था कि वो आज तक किसी शक्तिशाली योद्धा से टकराए नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था आज आर्यन इन सब का घमंड तोड़ने वाला है। जितेंद्र और जयेश को अपनी तरफ आते हुए देखकर आर्यन ने अपने बगल में पड़ी सैनिक की तलवार को उठा लिया और उसमें अपने आध्यात्मिक तलवार की शक्ति को समाहित कर दिया।
आर्यन ने सूर्याश को नहीं निकाला क्योंकि उसे लगा कि इन लोगों से लड़ने के लिए सूर्याश को निकाला तो सूर्याश जैसे शक्तिशाली तलवार का अपमान होगा, इसलिए आर्यन ने साधारण तिलिश्मी तलवार में अपने आध्यात्मिक तलवार की शक्ति को समाहित करके उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही पल में जयेश और जितेंद्र दोनों आर्यन से लड़ने के लिए उसके सामने आ गए और आर्यन पर अपने तलवार से हमला कर दिया, लेकिन आर्यन ने उन दोनों के हमले को आसानी से रोक दिया और उन्हें पीछे कर दिया। जैसे ही दोनों पीछे हुए, आर्यन तेजी में उनके पास गया और उन पर हमला कर दिया। अपनी तरफ आ रहे आर्यन के हमले को देखकर दोनों डर गए और किसी तरह उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन चाहता तो उन्हें एक ही हमले में मार सकता था, लेकिन आर्यन का उन्हें मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। आर्यन सिर्फ उन्हें सबक सिखाना चाहता था। आर्यन के हमले को रोकने में ही जयेश और जितेंद्र थक चुके थे। आर्यन का हमला था कि इतना शक्तिशाली कि कोई नरक शक्ति क्षेत्र के पांचवें स्तर का योद्धा मुश्किल से घायल होने से बच पाए, और ये दोनों तो अभी भू शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। आर्यन के हमले से दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। ये देखकर इंद्रेश, जयंत और मायरा तीनों अपने घोड़े से उतरे और जयेश और जितेंद्र की तरफ भागे। उन दोनों के पास पहुंचकर तीनों ने दोनों के संभाला और आर्यन की तरफ गुस्से से देखते इंद्रेश आर्यन से बोला, कौन है तू? लड़के जनता नहीं हम कौन है? जानता हूं तुम इस राज्य के एक राजकुमार हो, आर्यन अपने बेखौफ अंदाज में बोला। अब तक इस लड़ाई की खबर राजमहल तक पहुंच चुकी थी। आर्यन के दोनों चाचा हरि और हरेंद्र ने अपने कुछ आदमी अपने बेटों की सहायता के लिए भेज दिया था और उन्हें आदेश दिया था कि जो कोई भी उसके बच्चों को घायल करने वाला उसे मार दिया जाए। वही आर्यन के पिता और दादा महाराज के साथ साथ सभी को जो आर्यन को जानते थे, उन्हें लगने लगा कि कहीं इंद्रेश और उसके भाइयों पर हमला आर्यन ने तो नहीं किया है। वही दूसरी तरफ आर्यन से जानकर कि वो जानता है कि वो सब कौन है, आर्यन के भाइयों के साथ साथ लड़ाई देख रहे सभी लोग शौक हो गए। उनके शौक को देखते हुए आर्यन बोला, इसमें शौक होने की क्या बात है? अभी तो तुम्हारा एक सैनिक तुम्हारे आने की सूचना देते हुए आगे जा रहा था। तूने सब कुछ जानते हुए भी हम पर हमला किया, आखिर तू है कौन और तुझे भेजा किसने है? कहीं हमारे पड़ोसी राज्य पंचनगा से तो तुम नहीं हो? इंद्रेश ने कहा। इंद्रेश से पंचनगा का नाम सुनकर सभी लोग आर्यन की तरफ देखने लगे। पंचनगा कौशाम्बी राज्य का पड़ोसी राज्य के इस राज्य में 5 नगर थे जो किसी छोटे राज्य के कम नहीं थे, इसीलिए इन्हें पंचनगा कहा जाता था। पंचनगा बहुत समय से कौशाम्बी को अपने अधीन करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन आर्यन के पिता महाराज हर्ष और उसके दादा महाराज की वजह से वो सीधे हमला नहीं करता था। पर हमला करूंगा और अपने यहाँ होने का ऐलान करूंगा। आर्यन इंद्रेश की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि शत्रु राज्य में आकर उस राज्य के राजकुमार? इतना बोलकर आर्यन हंसने लगा। आर्यन को हंसता देखकर सब समझ गए कि ये पंचनगा से नहीं है। इंद्रेश भी समझ गया कि आर्यन पंचनगा से नहीं है। ये समझते हुए इंद्रेश गुस्से में बोला, तो तुम कहाँ से हो? पूर्ण विराम, इंद्रेश को गुस्से में देखकर आर्यन बोला, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। राजकुमार आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी राज्य का नागरिक हूँ, मैं तो बस प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ राजधानी में। आर्यन की बात सुनकर इंद्रेश बोला, इस राज्य के होकर तुम इसी राज्य के राजकुमार पर हमला करते हो, डर नहीं है कि तुम्हें राजद्रोह की सजा मिल सकती है? आर्यन और इंद्रेश बात कर ही रहे थे तभी उन्हें दिखा कि राज्य की सेना उन्हीं की तरफ तेजी में आ रही है। सेना को देखकर इंद्रेश खुशी में बोला, अब देख तुम्हारा क्या हाल होता है, क्या आर्यन अपना सच सबके सामने ले आएगा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।